हेलो बच्चों, नमस्ते। कल आप लोगों को वीडियो में चैप्टर वन का कविता बताया गया था। कविता में उसको लयबद्ध याद करने के लिए दिया गया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग याद कर लिए होइएगा। आज उसके प्रश्न उत्तर के बारे में जान देखते हैं और लिखते हैं। इसको मैं लिखवा दे रही हूँ। आप लोग इसको नोटबुक पर उतार लीजिएगा और याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। क्वेश्चन है, क्लास मौखिक क्वेश्चन आंसर पहले जानेंगे। क्वेश्चन है, इस कविता में सूरज के बारे में क्या बताया गया है? इस कविता में सूरज के बारे में क्या बताया गया है? इसका उत्तर होगा, इस कविता में सूरज के बारे में बताया गया है कि सूरज पूरब से धीरे धीरे लाल रंग बिखेरता हुआ आता है। ख नंबर क्वेश्चन है, सूरज कब ढलता है? इसका उत्तर होगा, सूरज शाम को ढलता है। ठीक है बच्चों, इसको उतार लीजिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है कि सुबह के समय सूरज कौन सा रंग बिखेरता है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला। आप लाल पे सही का निशान लगाइएगा। ख ऑप्शनल में है कि दिन किस पर चढ़ता है? दिन किस पर चढ़ता है तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आसमान पर, सीढ़ी पर, पहाड़ पर। कविता के अनुसार इसका आंसर होगा सीढ़ी पर। सीढ़ी पर सही का निशान लगाइएगा। अब नंबर दो में है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज कैसे आता है? दो का कौन नंबर क्वेश्चन है, सूरज कैसे आता है? इसका उत्तर होगा, सूरज धीरे धीरे लाल रंग बिखेरता हुआ आता है।
ठीक है, आप लोग उतारते चलिए, उतार लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ख नंबर क्वेश्चन है, सूरज के आने पर कौन दमकता है? ख नंबर क्वेश्चन है, सूरज के आने पर कौन दमकता है? इसका उत्तर होगा, सूरज के आने पर धरती गगन धरती से लिखिए, यहाँ से गगन तक हर चीज दमकता है। अब आगे का क्वेश्चन है, ऐसे सूरज आता है कविता से क्या सीख मिलती है? क्वेश्चन नंबर है कि ऐसे सूरज ऐसे सूरज आता है कविता से क्या सीख मिलती है? ग में है ऐसे सूरज आता है कविता से क्या सीख है मिलती है? इसका उत्तर होगा, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें भी सुबह सवेरे सूरज की तरह हर्ष और उमंग के साथ दिन का शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, आज इतना आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेरे समझ से आप लोग बुक जरूर खरीद लीजिए, बिना बुक का आप लोग नहीं कर पाइएगा, सब लोग बुक खरीद लीजिएगा ताकि आप लोगों को फेयर करने में सुविधा होगी। बुक रहेगा तो फेयर आप लोग आसानी से कर पाइएगा, मुझे भी यहाँ बताने में थोड़ा सा आसानी होगा, इसलिए आप लोग बुक जरूर खरीद लीजिए और अपने नोटबुक पर इस काम को जरूर कीजिएगा। आपके लिए HW में है,
रिमेम्बर एंड राइट राइट सी डब्ल्यू।